आदाब नाजरीन, मैं आपके साथ इमरान हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आरएन टुडे न्यूज़। मंडावली मोटा महादेव शिव मंदिर के प्रांगण में आगामी त्यौहार महाशिवरात्रि को लेकर जिले के सभी उच्च अधिकारी व समक्ष अधिकारी क्षेत्रीय संभ्रांत लोगों के साथ मिलकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अंकित कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन, SDM विनय कुमार, जिला बिजनौर के तहसीलों के SDM वीडियो, मंडावली क्षेत्र के ग्राम प्रधान के संभ्रांत नागरिक मीटिंग में उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर यात्रा को सुगम बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षित रहे, बिजली विभाग, चिकित्सा विभाग, वन विभाग, सप्लाई विभाग, NH 74, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आदेशित किया गया कि जिनके द्वारा जो भी कार्य किया जाना है समय से पहले पूर्ण करें, ताकि कांवड़ यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई विघ्न पैदा ना हो। बिजली विभाग लटके हुए तारों पर ध्यान दे। सड़क के किनारे अगर ट्रांसफार्मर है तो उसे सुरक्षा बनाए रखने के उपाय करें। चिकित्सा विभाग द्वारा डॉक्टरों की ड्यूटी 24 घंटे उपलब्ध रहनी चाहिए, जिसका एक शिविर भागुवाला और एक शिविर मोटा महादेव शिव प्रांगण में रहेगा। वन विभाग अधिकारी को निर्देशित किया गया कि यदि रास्ते में कोई गुलर का पेड़ है तो उसे काटा जाए या उसकी शाखा को काट छांट दिया जाए। किसी भी पेड़ के कारण यात्रा में विघ्न ना हो, गुलदार का डर ना रहे, इसकी व्यवस्था की जाए। सप्लाई विभाग को आदेशित किया गया कि सड़क पर पड़ने वाले प्रत्येक होटल पर खाने पीने की चीज़ों के रेट लिस्ट लगाई जाए। DPRO को निर्देशित किया गया कि सफाई कर्मचारियों को उचित व्यवस्था रहे, मंदिर प्रांगण में गंदगी जमा ना हो, नजीबाबाद में लगने वाले शिविर का ध्यान रखा जाए, सड़क के किनारे कॉमेडी स्टैंड ना बनाए, यदि स्टैंड बनाया भी तो सड़क के अंदर की ओर होना चाहिए, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। NH 74 के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि हाईवे का काम चल रहा है, जिसमें कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सड़क से संबंधित कार्य पूरे किए जाए, जिससे पैदल वाहनों को आने वाले कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अंत में DM अंकित कुमार द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समय के अंतराल में सारे कार्य पूरे किए जाए, किसी भी कार्य में कोई कोटा ना हो, लापरवाही ना हो। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सभी विभाग अपने अपने कार्य समय से पूर्व निपटा ले। इस बीच ब्लॉक प्रमुख तपराज सिंह राजकुमार, प्रजापति नसीम अंसारी, मोहम्मद इरफान बाबू, सरफराज अहमद, महेंद्र सिंह, माजिद हुसैन, नसीम अहमद आदि मौजूद रहे। मंडावली मोटा महादेव शिव मंदिर के प्रांगण में आगामी त्यौहार महाशिवरात्रि को लेकर जिले के सभी उच्च अधिकारियों के समक्ष अधिकारी क्षेत्रीय समान लोगों के साथ मिलकर एक बैठक का आयोजन किया गया। देखते रहिए आरएन टुडे न्यूज। वो सुना गया और विभिन्न विभागों द्वारा क्या क्या तैयारी की जा रही है, इसका जायजा लिया गया है और सभी विभागों को 6 से 7 दिन का टाइम दिया गया है, जिसमें वो अपनी सभी तैयारियों को पूर्ण करा लें। इसके बाद फिर हम लोग एक बार समीक्षा करेंगे बिजनौर अपने स्तर पर, कि अगर सभी विभागों ने पूर्ण नहीं किया होगा तैयारियाँ तो उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उन पर कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय जैसे कि रोड डाइवर्जन की समस्या हुई, उसके लिए थोड़ा NHS की तैयारी। हाँ, रूट डाइवर्जन के संबंध में भी चर्चा की गई है, संबंधित SDO CSEO साहिबान को निर्देशित किया गया कि दोनों लोग ज्वाइंट इंस्पेक्शन करें PWD और NHAI के अधिकारियों के साथ, जहाँ भी रूट संबंधित समस्याएँ उन सभी का निस्तारण कराया जाएगा। मोटा महादेव का कांवड़ मेले के लिए जो तैयारी की जा रही है, क्या तैयारी? आज एक यहाँ मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारियों ने तैयारी की, इसकी समीक्षा ली। ये पहली समीक्षा जो हमारे द्वारा की गई, स्पेशली रोड्स को लेके, डाइवर्जन को लेके, जो हमारे कैमरे लगेंगे उनको लेके, एक कंट्रोल रूम लगे बनेगा, तथा जो भी बीच में शिविर लगे, शिविर हमेशा रोड की तरफ हो जहाँ ट्रैफिक जा रहा है, लेफ्ट साइड होना चाहिए, इस तरह से कांवड़ स्टैंड हो वो भी हमारा परपेंडिकुलर रोड हो, जैसे कोई हमारा कांवड़ या हमारा जो बिल्डिंग है वो रोड पर ना आए, रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। साथ ही साथ गुलदार को लेकर चेतावनी, शब्द से बचने की दवा, साथ ही साथ जो हमारे पहले से जो हम लोग डाइवर्जन प्लान पब्लिश करते हैं उसको भी समय से पब्लिश कर दिया जाएगा। रोडों में जो गड्ढे हैं उनको लेके भी बात की गई है, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था गड्ढे हुए थे, उनको पूर्ण कराया गया था। इस बार भी DM साहब ने एक 7 दिन का समय दिया गया, क्योंकि सारी जो कमियां हैं
सारी व्यवस्थाएं इनको पूर्ण कराने के लिए, फिर एक दिन समीक्षा की जाएगी और उसके बाद हम पूरा आश्वासन करते हैं कि पूरी अच्छी तरीके से, जैसे कि श्रावण शिवरात्रि में कांवड़ यात्रा अच्छी तरीके से होती हुई, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो वो भी एक्सीडेंट फ्री और इंसिडेंट फ्री कांवड़ यात्रा संपन्न करेंगे। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल RN Today को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।